अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम यहाँ पर आसिफ नगर फंक्शन हॉल में आए हैं एक्सपो देखने के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको प्रमोट किया गया है सबा खान और शहबाज खान के की जानिब से। इंतज़ाम किया गया है, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा है देखकर। आप लोग भी देखिए, आप लोग के साथ भी मैं ये शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम के बाद कुछ नया देखने को मिला है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर। सारी चीज़ें यहाँ पर है, लेडीज़ के, जेंट्स के, हर वो चीज़ यहाँ पर है। कपड़ों से लेके, ज्वेलरी से लेके, खाने पीने की हर वो चीज़ यहाँ पर है। कम से कम दाम की भी है, ज़्यादा से ज़्यादा दाम की भी है। बहुत अच्छा लगा। लेडीज़ के ही ज़्यादातर स्टोर थे यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, उनको भी मौका मिला है लेडीज़ को अपना हुनर दिखाने का, अपना जो भी है, जो वो लोग कर सकते हैं वो लोग ने किया है। बहुत अच्छा लगा उनके स्टॉल देख के, खाने के पीने के जो भी है उन लोग ने लगाया है। बहुत अच्छी डिश थी, बहुत अच्छे चीज़ें थे, बहुत मज़ा आया हम लोग को यहाँ पे। आप लोग भी इंजॉय कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपनों में। जज़ाकअल्लाह, आप लोग इंजॉय कीजिए, अल्लाह हाफिज़। 24 घंटे बर्फ गिरती रहती, मैं दो रात बगैर कपड़े के गुजार के नहीं बाहर जाइए, खराब कर रहे माहौल। दो रात बगैर कपड़ों के वहां पर गुजार के गिनीज बुक का अपने रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाना चाह रहा हूँ। अरे वो जाहिल के बच्चे ऐसे दीवाने कामा करे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं आता, फिर खबरस्तान की तख्ती पे नाम आता। जमीन में क्या है, जमीन में क्या देखू मारा तुम खाली भी। बालकनी में से जो है नीचे छिट्टी फेंकी, नीचे धरेवा था मैं, क्या करा लफलेटर फेंकी समझ के छिट्टी उठा के भाग लेते अंदर के कमरे में। क्या अंदर के कमरे में जाके खोल चिट्ठी खोल देगी, गली से नाखूना पड़े हुए थे, असल में नाखूना काट के फेंकी। गन्नी माधव ने खाली नाखूना ही काट के फेंकी, उसके बाबा को मालूम आता तेकू काट के फेंक देते थे लौंडे। अच्छा जान दो, अब भैजान वो सीरियल कर देखे तो उसके साथ चल रहा, उसका चक्कर इसके साथ चल रहा, इसका चक्कर उसके साथ चल रहा सीरियल में, फिर सीरियल का नाम देखे तो पवित्र रिश्ता कहते। सही बोले भैजान, पूरा माहौल खराब करके रखे। रामोली के बोल रहा था, हमारे घर के बाजू खाला मारे थे। हाँ। उनके घर के बाजू, हमारे घर के बाजू खाला मारे थे। हाँ। उनके भाव के कमरे में से एक आदमी निकला। हाँ। आदमी निकला, दीवार खुद के खाला मार के सामने भाग गया। हाँ। खाला मार देखे। हाँ। देखे कुछ भी नहीं बोले, मेरा दिमाग फिर गया। मैं बोला क्या तरीका है, बस्ती में क्या तो भी चल रहा है। हाँ। बोला खाला मां आपके भाव के कमरे में से एक आदमी निकल के आपके सामने से गया, आप सामने बैठ के देख रहे, आप सास से कुछ बोलना नहीं बोलते, क्या बोल रहे मालूम? क्या बोले भाई? भाई क्या बोलेंगे वहां, क्योंकि सास जी का भी बहुत ही गति। क्या माहौल हो गया भाई, क्या बोलेंगे बोलो। सही बात है। अच्छा वो काय ने जहेज वाला काय है, उसको बुलाओ। हाँ भाई जान, छाया दिला बेचारे की शादी नहीं हो रही है, तो शादी करा देना। हाँ क्या है मियाँ? अरे मियाँ तू भचाम कर से आधे पैसे देके उठ के भाग के ऐसा का दिख रहा है। अरे नहीं भाई, फिर ऐसा दिख रहा तुम्हारे पास 40 रुपए थे, 80 रुपए की कटिंग को आधी करा के आ गए तुम। अरे देखे उन्हें भी वैसी करता उसको मालूम है, उसको एक्सपीरियंस है। पैसा नहीं भाई, ये जो बीच की लाइन है ना, ये जो साइड की लाइन दिख रही ना, ये लाइन जो है छतरा गुट्टा जाता, ये लाइन तालाब कट्टा, ये लाइन सीधा चार मीनार। सामने का एयरपोर्ट से कौन से फ्लाइट आ जाते ऐसे बोल दिया था। सवाल का बेटा खिचड़ी घंटा हली बिरयानी मरक पुलाव तीतर पुलाव बटर पुलाव मूट पुलाव गलिया सब्जे शादी कबाब शीख कबाब बोटी कबाब मछली कबाब बंद कबाब नरकी से कबाब भेजा कलेजी गुर्दे जबान दी सेवाएं खास ढोर भाई तू मेरी शादी में कैसा भी आना खास। अरे मियां सेवियों का मीठा नहीं बोला, सेवियों का मीठा भी रखो, अच्छा याद दिला। अच्छी बात है ढोर भाई, बोल देना रखते। अच्छा ठीक है, मैं इतने सब सीधा कर रहे तो लेन देन का मामला क्या है? अरे नूर भाई जब इतने बड़े पैमाने पे शादी कर रहा हूँ, ऐसा धूम धड़ाके पे शादी कर रहा हूँ, थोड़े बहुत चीजा ले रहा हूँ जहेज में। जहेज ले रहा? अब इतने बड़े पैमाने पे शादी कर रहा हूँ नूर भाई, कैसा ले लेते? इन्हें कौन बोले वो जहेज लेना हराम है?
बेहतरीन बात बोली आप, लेकिन आप वीडियो पूरा देखने से पहले कमेंट शुरू करने वाले हैं। आप पहले वीडियो पूरा देखिए, बोलो बेटा। भाई जब इतने बड़े पैमाने पे शादी कर रहा हूँ, ऐसा धूम धड़ाके से शादी कर रहा हूँ, अब इतने थोड़े बहुत चीजा तो ले रहा हूँ, कैसा भी जहेज लेता। हाँ जहेज ले रहा हूँ। क्या क्या ले रहा? ज्यादा कुछ भी नहीं, थोड़े बहुत चीजा है। महाराजा पलंग अलमारी, बिस्तर, 100 गज की जमीन पर जबरदस्त घर, भवन, घड़े, गहरा, दो जोड़ी हवा चप्पल, वॉशिंग मशीन, कूलर, एक किलो कपड़े, सुरमा, इतना रेडीमेडी गिरदा, बेलन, कटा, टकला, डोंगा, 1,30,000 रुपए जोड़ी का रखा, 500 सोना, सिंगारदार, हवेदार, बलेदार, कपड़ों का बैग, पानी गर्म करते हुए हीटर, तुवा, लुंगी और दो पट्टी की चप्पल। यहाँ इतने सब चीज तो ले रहे तुम। हाँ लेकिन एक चीज भूल गए। क्या भाई? शर्म। क्या बोल रहे नूर भाई? शर्म है तुम्हारे को? अरे मियाँ जहेज एक लालच है, शर्म है तुम्हारे ऊपर? अरे यारो मर्द बनो, जहेज लेना हराम है। अगर किसी की बच्ची को शादी करके ला रहे तो खुद खर्चा करो, खाना पीने की मुतालबा भी मत। यहाँ इतने प्रोफेशनल सिंगर दे रहे हुए, मैं क्या कह रहा हूँ भाई? ठीक है ट्राई कर ले तो एक दो लाइन ट्राई कर ले, ज्यादा आना तो है, थोड़ा एक को दे दीजिए। सारी बिल्लियां थोड़ा पीछे हटी, थोड़ा पीछे हटी, थोड़ा पीछे जाओ, पहले पहले पीछे हट के बात करो बेटे, पीछे तो पीछे तो बेटे टूट जाता हूँ, आप लोग को नुकसान होता है बोल के बोल रहा हूँ, पैरा फंस जाते हैं, पीछे तो पीछे हटो बेटे, हिल रहे नहीं आप लोग, पिछड़ो जो शरीफ बच्चे है पिछड़े जाओ, बदमाशा सामने डरो, शरीफ लोग पिछड़े, शरीफ लोग पिछड़े, अच्छा बदमाश है फिर हटिए, पिछड़े थोड़ा पीछे, थोड़ा शरीफ लोग थोड़ा थोड़ा पीछे भी है, जितने शरीफ इस महफिल में थोड़ा पीछे भी है, ऐसा घर वालों का नाम बदनाम होता, पिछड़ो पिछड़ो शरीफ लोग पूरा पीछे दिए, थोड़ा 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 पीछे हटिए, बाजी प्लीज हटिए, थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा थोड़ा ये तो मेरे भाई आप लोग तो है, फोटो ले आओ तो खाली फोटो ले लो, फिर कॉमेडी नहीं, थोड़ा बाजी पीछे हटिए, बाजी बाजी आप भी, आप भी भाई, आप भी हटिए, बड़े भाई 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 आप भी हटिए, हटिए हटिए हटिए, यहाँ से बोले तो वहां से आ जाए, आमिर भाई गाना गाएंगे, पब्लिक सुन रही है आपको तो खामोशियां के दो लाइन गाना गा, तो मैं खामोशियां जो गाना है खामोश बैठ के सुनो मजा ही आएगा। क्या उस गली में कभी तेरा हुआ जहां से जमाने तो बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियां एक साज है कभी गुनगुना ले सदा, बेकरार है को जा ही जाता समा के परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, ओ नहीं सुनता हूँ खाना होता है हर खुशी से हर गम से, बेगाना होता है,
से हर गम से बेगाना होता है। Man,
पूरा सुना दो पूरा, ठीक है ठीक है। जोरदार।